नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती का संयोग। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार में बदला मौसम, प्री मॉनसून बारिश से मिली गर्मी से राहत। बिहार निकाय चुनाव में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की शुरू हुई प्रक्रिया। लालू यादव की पलामू कोर्ट में सशरीर पेशी का जारी हुआ आदेश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती का संयोग। आज अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के मौके पर कृतिका नक्षत्र और सुकर्मा योग में वट सावित्री करने वाली हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार वट सावित्री के दिन ही शनि जयंती का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वट वृक्ष को देव वृक्ष भी माना जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत का उपवास करने के साथ वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा अर्चना करने के साथ ही देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम और पति धर्म का स्मरण करती है। व्रतियों के लिए यह व्रत सौभाग्य को बढ़ाने के साथ ही पाप नाशक और धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। ज्ञात हो ऐसी मान्यता है कि वटवृक्ष में ब्रह्मा, शिव, विष्णु और स्वयं सावित्री भी विराजमान रहती है। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं। बिहार में अपराध खत्म होने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि बिहार में अपराध को रोकने के लिए बिहार की नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है। क्योंकि बिहार की बढ़ती आबादी और बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर बिहार पुलिस भी अग्रसर होकर काम करने लगी है। इसके लिए 200 से अधिक ओपी यानी कि आउटपोस्ट को अपग्रेड करने की तैयारी है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी राज्य में करीब 1094 पुलिस थाने हैं। ओपी के अपग्रेड होने के बाद पुलिस थानों की संख्या निकट भविष्य में करीब 1300 तक होने की उम्मीद है। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भी ओपी को सशक्त कर उन्हें थानों के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के अनुसार ओपी को पुलिस थानों के रूप में अधिसूचित करने का सैद्धांतिक रूप से निर्णय हो गया है। इस प्रस्ताव पर जल्द ही काम शुरू होगा। बिहार में पैदा होते ही बच्चों के लिए होगी खास व्यवस्था। बिहार में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए बिहार की नीतीश सरकार अब जुट गई है, जिसके तहत अब बच्चों के लिए खास व्यवस्था भी शुरू होने वाली है। योजना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत सभी तरह के अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों की कई प्रकार की जांच के प्रबंध किए जाएंगे। कार्य सुगमता से हो इसके लिए अस्पतालों में जांच के लिए डेडिकेटेड रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्सें तैनात रहेंगी। अच्छी बात तो यह है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2020 की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर में 2 अंकों की कमी आई है। राज्य में 2019 की अपेक्षा 2020 में शिशु मृत्यु दर से घटकर 27 हो गई है। बिहार ने शिशु मृत्यु दर में कम करने के लिए बीते वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी कार्य किया और उसी का ये परिणाम है। बिहार के इस रूट की 48 ट्रेनें रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आने वाले समय में बिहार के एक रूट से चलने वाली 48 ट्रेनें रद्द होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा स्टेशन पर यह काम किया जाना है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल की तरफ से आने जाने वाली 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव भी किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव करने के साथ ही पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि गोंडा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है। दरभंगा से नई दिल्ली को जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, क्लोन एक्सप्रेस और सहरसा से जाने वाली गरीब रथ के साथ कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जिसकी पूरी सूची रेलवे की तरफ से जारी कर दी गई है। बिहार में बदला मौसम, प्री मॉनसून बारिश से मिली गर्मी से राहत। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। गर्मी झेल रहे बिहार के लोगों को बारिश की फुहार ने राहत दी है। शनिवार की देर रात अचानक मौसम बदलने से यह राहत मिली। खासकर उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, चंपारण के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी पटना में भी अहले सुबह से रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो ये बारिश मानसून के आगमन से पहले की है। राज्य में मानसून 12 जून तक प्रवेश कर सकता है, इसके बाद बारिश का सिलसिला तेज होगा। फिलहाल राज्य में मौसम बदलता रहेगा। सोमवार तक बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने निकाली रिक्तियां। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल के कुल मिलाकर 1666 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक के साथ बंगाली भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान, ऊंचाई, वजन और छाती का अच्छा माप होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 27 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं।
बिहार के इस कॉलेज में 7 करोड़ से बनेगा मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस हॉल। बिहार की राजधानी पटना के बीएन कॉलेज में 7 करोड़ से मल्टीपर्पज कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए राशि शिक्षा विभाग से आवंटित हो गई है। 7 करोड़ रुपए की लागत से करीब 450 लोगों के बैठने की क्षमता वाले भवन का निर्माण बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा होगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये 2 फ्लोर का होगा, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, एक 300 क्षमता का और दूसरा 150 क्षमता का। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक ब्लॉक भी बनाए जाएंगे। उक्त भवन के डिजाइन का भी चयन कर लिया गया है। इसकी घोषणा पूर्व शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र कृष्णनंदन वर्मा ने की थी। उन्होंने ही इसका शिलान्यास भी किया था। पटना एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर, सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर, सांसदों ने दी श्रद्धांजलि। लद्दाख में हुए सेना के सड़क हादसे में देश ने कुल मिलाकर 26 वीर सपूतों को खो दिया, जिसमें से एक बिहार का भी लाल था, जो कि पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के परियो गांव निवासी लाल उर्फ ललन यादव के सबसे छोटे पुत्र रामानुज यादव थे। रविवार को लद्दाख से उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। शहीद जवान राम अनुज यादव का पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना पहुंचा था, जहां स्टेट हैंगर में शहीद जवान के पार्थिव शरीर को सबसे पहले सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, सांसद रामकृपाल यादव के साथ कई अन्य गणमान्य लोगों ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान सीएम नीतीश के नहीं आने पर काफी सवाल। बिहार में बेसिक स्तर से नीचे छात्राओं की संख्या ज्यादा। बिहार में भले ही सरकार शिक्षा के दावे कर रही हो, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 10वीं कक्षा में बेसिक और बेसिक स्तर से नीचे छात्राओं की संख्या हर विषय में ज्यादा है। गणित में 74% छात्राएं और 66% छात्र इस कैटेगरी में शामिल है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार साइंस में 94% छात्राएं और 89% छात्र, सोशल साइंस में 90% छात्राएं और 84% छात्र, अंग्रेजी में 58% छात्राएं और 51% छात्र शामिल है। वहीं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 92% छात्राएं और 88% छात्र इसी कैटेगरी में है। 19% बच्चों को ही सोशल साइंस की जानकारी है। इसके साथ ही 8वीं के 39% छात्र छात्राओं को साइंस और सोशल साइंस सहित 10वीं के 76% छात्र छात्राओं को साइंस पाठ्यक्रम की बेसिक जानकारी नहीं है। बिहार निकाय चुनाव में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की शुरू हुई प्रक्रिया। अगर आप भी बिहार निकाय चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 28 मई से मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन का काम किया जा रहा है। मतदाता इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं या फिर संशोधन भी करवा सकते हैं। वहीं किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची से हटवाया भी जा सकता है। वहीं दावा आपत्ति 10 जून तक होंगे। ऐसे में अगर किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं किया जा सका, तो वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आप 1 जनवरी 2022 को या उससे पहले 18 साल उम्र के हो चुके हैं, तो अपना नाम सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूची में दर्ज कोई त्रुटि या अशुद्धि के लिए संशोधन भी करा सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे संधली सिन्हा की। संधली सिन्हा ने अपनी दमदार एक्टिंग, मासूम आंखों और मुस्कुराहट से न सिर्फ लोगों के दिलों पर राज किया है, बल्कि इस फिल्म के जरिए रातों रात उनका करियर चमक गया। संधली का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। पहली फिल्म तुम बिन से संधली जितनी हिट हुई, उसके बाद उन्हें कुछ खास सफलता तो नहीं मिली। संधली सिन्हा अब एक बिजनेस संभाल रही है। जदयू ने काटा आरसीपी सिंह का पत्ता। बिहार की राजनीति में बीते कई दिनों से जिस बात की चर्चा होती आ रही थी, आखिरकार उसका निर्णय बीते दिन आ गया, जब जदयू ने आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने पर अपना आखिरी फैसला सुना दिया, जिसके तहत ही जदयू ने आरसीपी सिंह का पत्ता काटकर इस बार खीरू महतो को राज्यसभा का टिकट दिया है। जदयू के इस फैसले के बाद बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पार्टी को आरसीपी सिंह पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा। आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह किस भूमिका में नजर आएंगे, साथ ही खीरू महतो को पार्टी की तरफ से दी गई बड़ी जिम्मेदारी को लेकर भी बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई है। इस बीच आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसमें से ये सवाल कतई नहीं है कि आरसीपी सिंह से कोई गलती हुई है। पार्टी जरूरत के हिसाब से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपती है। आरसीपी सिंह पार्टी के सम्मानित नेता है। राजगीर शिविर के बाद नए अंदाज में दिखेगी कांग्रेस। बिहार कांग्रेस का अब नया अंदाज देखने को मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आगामी 1-2 जून को राजगीर में होने वाले चिंतन शिविर का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच शिविर के बाबत प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि राजगीर में आयोजित 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के बाद बिहार में कांग्रेस नए तेवर के साथ दिखेगी। उदयपुर में संपन्न हुए पार्टी के नव संकल्प शिविर के आलोक में नई रणनीति बनाई गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजगीर शिविर के संचालन के लिए प्रदेश कांग्रेस ने 6 अलग-अलग समूहों का गठन किया है। प्रदेश प्रभारी महासचिव भक्त चुरंदास, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार, प्रदेश सचिव डॉक्टर शकील अहमद, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई गणमान्य शामिल होने वाले हैं। राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशियों का हुआ ऐलान।
बिहार में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। इसी बीच बीते दिन भाजपा ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही बिहार भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल को राज्यसभा भेजने पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। यानी कि इस बार गोपाल नारायण सिंह का पत्ता काट दिया गया है। जानकारी के अनुसार 70 वर्ष से अधिक आयु के नेताओं को संसदीय राजनीति से अलग रखना है, इस वजह से गोपाल नारायण का पत्ता कटा है। गोपाल नारायण की जगह शंभू शरण पटेल को इस बार मौका दिया गया है। शंभू बिहार के शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं, वो भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। इतना ही नहीं, बिहार के साथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए हैं। लालू यादव की पलामू कोर्ट में सशरीर पेशी का जारी हुआ आदेश। लालू प्रसाद यादव की एक मुश्किल खत्म होती है तो वहीं दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। अभी डोरांडा कोषागार मामले में उन्हें राहत मिली ही थी कि अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से झारखंड की एक अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब उन्हें पलामू की अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा। ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। खबर के अनुसार अब पलामू कोर्ट में लालू यादव की पेशी है। इसको लेकर 7 जून को लालू प्रसाद यादव सेवा विमान से रांची आएंगे और एयरपोर्ट से ही सड़क मार्ग से पलामू के लिए प्रस्थान करेंगे। पलामू में 7 जून को रात्रि विश्राम करने के बाद 8 जून को अदालत के समक्ष पेश होंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के झारखंड आगमन की सूचना मिलते ही झारखंड राजद एक्टिव हो गया है। लालू यादव के स्वागत में रांची से लेकर पलामू तक 110 से ज्यादा तोरण द्वार भी बनाए जाएंगे। अफसरों पर भड़के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार के मामले में अपने ही सरकार पर लगातार बरस रहे हैं। बीते दिन भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जब रविवार को लखीसराय में प्रेस से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था चौपट है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अवैध वसूली के लिए सीओ और राजस्व कर्मचारी भूमि विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दुखद स्थिति है कि उन्हें सत्ता के साथ ही विपक्ष की भी भूमिका निभानी पड़ रही है, जिसके बाद ही विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के जिलाधिकारी और एसपी से इस पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वरीय अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी को चिन्हित करें जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। शेखपुरा के विष्णुधाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के सामस गांव में स्थित विष्णुधाम मंदिर में भगवान विष्णु की 1100 वर्ष पुरानी अद्भुत मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति 7.5 फीट ऊंची जबकि 3.5 फीट चौड़ी है। भगवान विष्णु की एक काले पत्थर से बनी मूर्ति खड़ी अवस्था में है और इनके 4 हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इतिहासकारों का मानना है कि मूर्ति पर जिस तरह की लिपि लिखी गई है उसका उत्तर भारत से मिलने का प्रमाण 9वीं सदी के बाद का है। इस मूर्ति में एक और खासियत है कि मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम सिद्धदेव भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति तालाब में खुदाई के वक्त 1992 में मिली थी। मंदिर में भगवान विष्णु के मूर्ति के साथ 2 अन्य छोटी मूर्तियां भी है, पर किस देवी देवता की है ये ज्ञात नहीं हो पाया है। हालांकि इसके साथ ही खुदाई में कई अन्य और मूर्तियां भी मिली थी, जिन्हें सामस गांव के ही जगदम्बा मंदिर में रखा गया है। जनसुराज की सोच को लेकर वैशाली पहुंचे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा की शुरुआत वैशाली जिले से कर दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने वैशाली के हाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि वो अगले 4 दिनों में वैशाली जिले के अलग अलग गांव में प्रखंडों के लगभग 40 जगह पर जाने वाले हैं और लोगों से जनसुराज की सोच को लेकर संवाद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में करीब 7,000 लोग जनसुराज अभियान से जुड़ चुके हैं और ये संख्या रोज हजारों की तादाद में बढ़ रही है। जनसुराज का मकसद है कि जनता के लिए सुशासन, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। संभावित बाढ़ को लेकर गंगा सोन और पुनपुन नदी के तटबंध की मरम्मत का काम हुआ शुरू। मॉनसून के आते ही बिहार के कई जिलों में बाढ़ की संभावना बनने लगती है। इसी को देखते हुए मॉनसून की आहट से पहले ही गंगा, सोन, दरधा और पुनपुन नदियों पर बने तटबंधों में 48 तटबंधों पर मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसके तहत ही पिछले साल बाढ़ के समय तक ये बंद था। यहाँ पर क्षतिग्रस्त काफी ज्यादा इलाका हुआ था, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मची थी। सबसे अधिक पुनपुन नदी के तटबंध में तबाही मची थी, इसलिए आपदा प्रबंधन सिंचाई विभाग के सहयोग से इन सभी तटों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। 15 जून से पहले इन बांधों के मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा। योजना के अनुसार ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ तटबंध कमजोर होने की सूचना है। ट्विटर पर आसानी से बनाए 150 लोगों का सर्कल। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, जिसने इस महीने की शुरुआत में एक लिमिटेड ग्रुप के साथ सर्कल की टेस्टिंग शुरू कर दी है, अब कंपनी ने इस फीचर को अब अधिक यूजर के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार ये फीचर, जो यूजर को 150 लोगों को चुनने की अनुमति देता है, इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स की तरह काम करता है, क्योंकि ये यूजर को ट्विटर के बजाय लोगों के एक स्पेसिफिक ग्रुप को ट्वीट भेजने की अनुमति देता है। बिहार में मिले कोविड-19 के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 9 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 42 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो भोजपुर में 1, गया में 1, पटना में 4 और सीतामढ़ी में 3 मामले की पुष्टि हुई। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 89,472 सैंपल की जांच हुई, वहीं इस दौरान 10 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
आईपीएल 2022 का खिताब सजा गुजरात टाइटंस के सिर। आईपीएल 2022 का सहरा गुजरात टाइटंस के सिर सज गया है। अपने डेब्यू सीजन में ही गुजरात टाइटंस ने कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इतिहास रचा है। 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी। शुभमन गिल ने छक्का जोड़कर अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बनाया। पहली बार अपने होम ग्राउंड पर खेल रही गुजरात टाइटंस पूरे सीजन में कमाल का प्रदर्शन करती आई है और यहां भी ऐसा ही हुआ। कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम को फ्रंट फुट से लीड किया। पहले बॉलिंग करते हुए 3 विकेट ली और बाद में बल्लेबाजी 34 रनों में कमाल कर अपने टीम को जिता दिया। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। उदंत मार्तंड पहली हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत 1826 में हुई, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में दार उल उलूम की स्थापना 1867 में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस की। गोवा 1987 में देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। विश्वनाथन आनंद 2012 में 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। सुजाना मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड ने 2008 में विशाखापट्टनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील इकाइयों का अधिग्रहण किया। भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा का जन्म 1909 में हुआ। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव का निधन 1606 में हुआ। आज ही के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गई जान, सख्ते में फैंस। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर कथित तौर पर किए गए हमले के बाद उनकी जान चली गई है, जिसके बाद से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैंस को काफी धक्का लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला पर रविवार को मानसा के जवाहर के गाँव के पास कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि पंजाब की आप सरकार ने हाल ही में कई लोगों की सुरक्षा वापस ली। इसी क्रम में मूसेवाला की भी सुरक्षा एक दिन पहले ही वापस। पब्लिक कंप्यूटर पर आधार डाउनलोड करने वाले हो जाए सावधान। पब्लिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड करने वाले नागरिकों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पब्लिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने सभी नागरिकों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। दरअसल UIDAI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का अलर्ट और चेतावनी जारी की है। जारी अलर्ट में कहा गया है कि पब्लिक कंप्यूटर से आधार डाउनलोड करने वाले नागरिकों को खास सुरक्षा बरतनी चाहिए। आगे कहा गया है कि ऐसे लोगों को यह जानना जरूरी है कि वो अगर अपने आधार को पब्लिक कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं तो उनको प्रिंट या फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी लेने के बाद कंप्यूटर से आधार की कॉपी को परमानेंट डिलीट कर देना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रेखा सिंह, अनवर करीम, अलोन गेम, रविशंकर, संध्या सिंह, दीपा कुमारी, संतोष यादव, विक्रम राज, रूपेश कुमार, शाहिद आलम, विनोद कुमार, रणधीर कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार गुजरात टाइटंस को मिली इस जीत का श्रेय आप किसे देंगे? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।